बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूं वकार यूनुस और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि वकार भाई हमें बताएं कि अगर एक यूज़र हमारी वीडियो को 2x स्पीड में देखता है तो क्या हमें वॉच टाइम कंप्लीट मिलेगा या फिर हाफ़ मिलेगा। तो इस पर मैंने वीडियो बनाना मुनासिब समझा, आज मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊँगा इस वीडियो में। जिस भाई ने मुझसे ये सवाल किया उनका यूट्यूब पर चैनल भी है लॉजिक टेक फॉर यू के नाम से, आप उनकी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, बहुत अच्छी सी वीडियोस बनाता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, 90% लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा कि कोई भी व्यूअर अगर आपकी वीडियो को 2x स्पीड में वॉच करता है, यानी कि फास्ट तरीके से वॉच करता है, जो कि यूट्यूब पर ऑप्शन होता है 2x में देखना चाहें या फिर 1.5, जितनी भी स्पीड में आप वीडियो को देखना चाहें, स्लो देखना चाहें, तो आपका वॉच टाइम कितना काउंट होगा। फुल कंप्लीट जितनी, यानी कि 2 मिनट की वीडियो तो 2 मिनट का वॉच काउंट होगा अगर वो 2x स्पीड में देखता है, या फिर 1 मिनट का वॉच टाइम काउंट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई भी व्यूअर आपकी वीडियो देख रहा होता है तो यूट्यूब क्या चीज़ देखता है, यूट्यूब ये चीज़ देखता है कि वो आपकी वीडियो को कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, यानी कि आपकी वीडियो पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ये नहीं देखता कि आपकी वीडियो 2 मिनट की देखी या 1 मिनट की देखी, ये चीज़ नहीं देखता। वो देखता है कि यूज़र ने आपकी वीडियो पर कितना टाइम स्पेंड किया, यानी कि कोई भी यूज़र अगर आपकी वीडियो को 2x स्पीड से देखता है, यानी कि आपकी वीडियो है 2 मिनट की और वो देखता है 2x स्पीड में, तो वो 1 मिनट में आपकी 2 मिनट की वीडियो को देख लेगा, तो आपका वॉच टाइम सिर्फ 1 मिनट का काउंट होगा, 2 मिनट का काउंट नहीं होगा। तो इस बात को जहन में रखिए कि आपका वॉच टाइम आपके यूज़र के हिसाब से आता है, यानी कि यूज़र जितना भी आपकी वीडियो पर स्पेंड करता है टाइम, उतना वॉच टाइम का आपका काउंट होता है। अगर वो आपकी वीडियो को स्लो देखता है, यानी कि 0.5 पर देखता है, तो आपका वॉच टाइम डबल हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट के बजाय आपका 4 मिनट हो जाएगा अगर वो आपकी वीडियो को कंप्लीट देखता है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपका वॉच टाइम कितना काउंट होता है अगर कोई भी यूज़र आपकी वीडियो को स्लो या तेज़ देखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। वकार यूनुस को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।